हेलो बच्चों, आज हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम त्रिभुज के कोणों के एक गुण के बारे में जानते हैं। यहाँ हमने पेपर से एक त्रिभुज बनाया है। अब हम इस त्रिभुज जैसे दो त्रिभुज और बनाते हैं। अब हम दूसरे त्रिभुज का ऊपर का भाग नीचे की ओर रखते हैं और इसे पहले वाले त्रिभुज के पास रखते हैं, जिससे कि दूसरे त्रिभुज का एंगल बी और पहले त्रिभुज का एंगल सी पास में आ जाते हैं। अब हम तीसरे त्रिभुज के एंगल ए को दूसरे त्रिभुज के एंगल सी के साथ रखेंगे। देखिए, ए बी और सी साथ मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि ए बी और सी के साथ मिलकर एक सीधी रेखा यानी कि 180 डिग्री बना रहे हैं। इस तरह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, जिससे ये साबित होता है कि त्रिभुज एबीसी के कोणों का योग 180 डिग्री है। आप किसी भी त्रिभुज की मदद से इसका पता लगा सकते हैं। जब दिए गए किसी भी त्रिभुज के तीन कोण साथ में आते हैं, वे एक सीधी रेखा बनाते हैं, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि हम सभी कोणों को जोड़ें, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो परिणाम 180 डिग्री होगा। आप इस गुण को थोड़े से निरीक्षण द्वारा समझ सकते हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार पेपर का एक त्रिकोण पीस काटिए। अब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। हम त्रिभुज के तीनों शीर्ष में तीन कोण काटेंगे। देखिए, यहां हमारे पास त्रिभुज के तीन कोणों में से यानी कि तीनों शीर्ष में से काटे गए तीन कोण हैं। यदि आप इन कोणों के कटे भागों को साथ में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये टुकड़े मिलकर डी या प्रोट्रैक्टर का आकार बना रहे हैं। देखिए, हमें ये आकार मिला है। ये एंगल स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ऐसा सभी त्रिभुजों में होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के गुण को याद रखिए बच्चों, जो ये बताता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल एबीसी में यदि हम सभी कोणों को यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को जोड़ें, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।